कमरा जान पाता है नांगनाई समझती है कहां देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है, है कि नहीं? थोड़ा सा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मेरे दोस्तों। मैं जिस शारा तक पहुंच रहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों कई घंटे वो खिदमत कर सकती है। उनके पास उनके बाद जो वक्त बचेगा तो मेरे दोस्तों कमेटी के लोग आप लोग जो चाहेंगे सुनवाया जाएगा। असद भाई भी पढ़ेंगे, शमशेर जहानागंज भी पढ़ेगा, जिसको चाहेंगे पढ़वाया जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन पहले राउंड को पूरा होने दिया जाए बिना किसी तमीज और ताखीर के। बड़े अदब के साथ मैं मोहतरमा चांदनी शबनम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे फोन पे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी होता है मेरी लाज मेरी आबरू बचा के चली आती है। पहले तो मैं मोहब्बतों का शुक्रिया उनके अदा करता हूँ और मधुबनी के सरजमी पे उनका इस्तकबाल करता हूँ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा जलालपुर उत्तर प्रदेश यूपी। माशाल्लाह भाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें नौजवान आपके लिए कि शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा। ए अफताब आलम भाई, मुजाहिद भाई, जरा सुनिएगा, इधर भी सुनिएगा भाई। भाई एक मिनट, ये ऑपरेटर से गुजारिश है कि एक स्टैंड दे दे, वो लगा के पढ़ेंगे मोहतरमा। स्टैंड वाला माइक दे दीजिए। माशाल्लाह बिल्कुल खामोश बनाए रखें भाई, बड़ा अच्छा मजमा बनाए हुए हैं। सुनिएगा कि शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा, दिलों को छू ले ऐसा शबाब आएगा। शजर की शाख से, शायद गौर भाई जरा ध्यान दीजिएगा कि शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा, दिलों को छू ले ऐसा शबाब आएगा। अरे कनखी नजरों से तुम वार न कर, क्या बात है, तिरछी नजरों, ए नौजवानों तिरछी नजरों से वार न कर वरना महफिल में इनकलाब आएगा। वाह दोस्तों, एक मिनट चांदनी, माजरत चाहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि फारूक भाई इस उम्र में पता नहीं किस हकीम से मिले हैं और कौन सा माजून खाते हैं। आज मैं बता दूं, आज समझ में मुझको आया कि नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियां उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। बुढ़ापे को हकारत की नजर से देखने वालों, ज़ईफ़ी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती। बड़े मोहतरम, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ। बहुत अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ, बहुत अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ। समाज फरमाए बिहार एक ऐसा सुबह है कि यहाँ के टक्कर में न जाने कितने लोग आकर खड़े हो गए थे, मगर बिहार के लोग अगर चाहे तो जिसे उसे उसकी औकात दिखा देते हैं। जैसे कि मुंबई में लोग, हैदराबाद में, बेंगलोर में जब मैं जाती हूँ तो मैं यही चार मिसरे पढ़ती हूँ, समाज फरमाए पढ़ती हूँ मैं। एक दिन ऐसा काम कर देंगे, एक दिन ऐसा काम कर देंगे मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपकी दुआएं चाहती हूं। मतलब की चीज है, एक दिन ऐसा काम कर देंगे तेरा दुनिया में नाम कर देंगे, एक दिन ऐसा काम कर देंगे तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। हम भी
अरे हम बिहारी हैं, हमसे मत उलझो वरना जीना हराम कर देंगे। वाकई माइक बहुत ही खूबसूरत हो गया है और मैं चार मिसरे आप तक पहुंचाती हूं। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जब मैं यूपी के मुशायरों में जाती हूं या दिल्ली मुंबई कहीं भी जाती हूं तो लोग मुझसे कहते हैं चांदनी शबनम तो ज्यादातर बिहार में ही रहती है, आखिर ऐसा क्या है बिहार में कि आप बिहार में ज्यादा जाती है? तो मैंने चार मिसरे से मैंने उनको जवाब दिया, सर मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ। मैं कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है, कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है, कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है तुम्हारे शहर में दिल को करार मिलता है, कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है तुम्हारे शहर में दिल को करार मिलता है। मुजाहिद भाई बुलावा आया है चल अब वहीं पे चलते हैं, नसीब वालों को पागल हार मिलता है, नसीब वालों को पागल बिहार मिलता है, बिहार मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने पागल बिहार कहा, मैं तमाम बिहारियों के हवाले से शेर आपके नजर। मैंने बिहार को पागल नहीं कहा, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में ऐसा क्या है, मैं उनसे कह रही हूँ कि पागल तुम पागलों के अभी तक बिहार नहीं गई हो, कभी बिहार जाके देखो तो कितनी मोहब्बतें मिलती है चांदनी शबनम को। उर्दू शायरी के अंदर लफ्ज़ पागल ये मोहब्बत की सबसे बड़ी लफ्ज़ है और ये सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, मेरी बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली, जिसको मालूम न था प्यार मोहब्बत क्या है ये भी पगली मेरी बचपन की दीवानी निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या चाहते हैं कि इनको जवाब दिया जाए? जरा एक बार मैं यहाँ के जो लोग हैं इनकी भी मैं इजाजत चाहती हूँ। इधर के बेचारे बहुत ही मासूम से हैं, खामोशी के साथ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। असद भाई भी हंस रहे हैं, शमशेर जाना गंजवी साहब, शायद गौहर भाई, मैं सबकी दुआएं चाहती हूँ। मुजाहिद हसनैन साहब को मैं शेर पहुँचाती हूँ। दिन जाए बेकार रे, दिन जाए बेकार रे, दिन जाए बेकार रे, जीना हुआ दुश्वार रे, दिन जाए बेकार रे, जीना हुआ दुश्वार रे, सुन मेरी बात मुझे प्यार नहीं करना है। हाय हाय, दिन जाए बेकार रे, जीना हुआ दुश्वार रे, दिन जाए बेकार रे, जीना हुआ दुश्वार रे, सुन मेरी बात मुझे प्यार नहीं करना है। सबके सब बीमार हैं, सबके सब बीमार हैं, सबके सब होशियार हैं, इश्क के सब बीमार हैं, सबके सब होशियार हैं, इश्क के सब बीमार हैं, सुन मेरी बात मुझे प्यार नहीं करना है, सुन मेरी बात मुझे प्यार नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस से काफी देर से ये फरमाइश की जा रही थी कि रंगीन कलाम पढ़ा जाए, तो मैंने बहुत कुछ सोच के आया, लेकिन जो मुशारक कन्वीनर हैं, कमेटी के लोग हैं, उनकी ख्वाहिश के लिए मैं गीत पढ़ती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ। तू बात मेरी अब मान भी जा, मान जाइए भाई, तू बात मेरी अब मान भी जा, कहती हूँ तुझे मैं प्यार से, बचकर तू रहना दीवाने मुझे पायल की झनकार से,
बचकर तू रहना दीवाने मेरे झनकार से। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बंद आप तक पहुंचाती हूँ। समाज फरमाए बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। भाई मैं सर मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ। मुखिया जी कहाँ हैं? और ये हमारे पूर्व मुखिया जी भी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं और जो हमारे प्रेजेंट मुखिया जी हैं वो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी हैं। और अरे वाह चांदनी वीडियो बन रही है, भाभी तक वीडियो पहुंच जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व मुखिया जी की तरफ जी। हमारे मुखिया जी और आफ्ताब भाई और हमारे बीच आफ्ताब भाई जिला सिक्योरिटी भी यहाँ मौजूद है। मैं इनकी भी दुआएं चाहती हूँ और दोनों मुखिया जी हैं मैं उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। आलम भाई की अहमद भाई मैं दुआएं चाहती हूँ। बंद आप तक पहुँचाती हूँ। समाज समय पढ़ती हूँ। तू बात मेरी अब मान भी जा कहती हूँ तुझे मैं प्यार से। तू बात मेरी अब मान भी जा अपमान भी जा कहती हूँ तुझे मैं प्यार से बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। दो दो भाभियाँ जो है सर के पास है दोनों मतलब मेरी दो भाभी जियाउल्लाह रहमान जियाउल्लाह भाई के पास दो दो बीवियां हैं। मैं बंद आप तक पहुंचाती समाज फरमाए। जियाउल्लाह भाई के पास दो बीवी होने के बाद इनके पास चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। जियाउल्लाह भाई कहते हैं अभी ईद के मौके से मुझे फोन किए थे कि मुजाहिद भाई एक साला है सात साली है। क्या बात है एक साला है सात साली है मेरी किस्मत बहुत निराली है। सबको शॉपिंग मुझे कराना है हाय किस्मत के जेब खाली है। हाय हाय क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद मैं आप तक पहुंचाती समाज समय। मुझे जो जी भर के देखेगा अच्छा 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 मुझे जो जी भर के देखेगा वो इश्क की आग में जलता है। इधर के जो नौजवान है वाकई बहुत जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। इधर वाले बिल्कुल नरेगा के मजदूर की तरह बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ इनमें और इनमें कंपटीशन करा दिया जाए तो देखती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये वाला मोहल्ला ज्यादा मजबूत आएगा। मैं पढ़ती हूँ। मुझे जो जी भर के देखेगा वो इश्क की आग में जलता है। बंगाल का जादू भूल गया मेरा जादू जिस पे चलता है। मर जाएगा तू कट जाएगा मर जाएगा तू कट जाएगा मेरी जुल्फों की तलवार से। बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। और मुजाहिद भाई यूपी में बहुत ही महंगी सरकार है और बहुत ही खुशखबरी की बात तो ये है कि गैस 50 रुपया जो है महंगा भी हो गया है। लेकिन इन सारी महंगाइयों के बाद जो मोहब्बत की महंगाई है मैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। समाज फरमाए। मेरा कंगना एक करोड़ का है। अल्लाह अकबर अल्लाह खैर करे। मेरा कंगना एक करोड़ का है मेरी बिंदिया लाखों वाली है। मेरा कंगना एक करोड़ का है मेरी बिंदिया लाखों वाली है। अभी उसका बिल नहीं आया है मेरे कान में ये जो बाली है। तू मुझसे नहीं बच पाएगा मुजी भाई। तू मुझसे नहीं मोती भाई तू मुझसे नहीं बच पाएगा बच जाएगा सरकार से। बचकर तू रहना दीवाने
मेरी पायल की झनकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं गजल का मतलब और दो तीन शेर आप तक पहुंचाती हूँ। समाज फरमाए मधुबनी वालों, मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मोहतरमा एक बंद इसमें जो पढ़ती है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा लहंगा 1 करोड़ का है और मेरी बिंदिया लाखों वाली है, मेरे कानों में जो बाली है इसका बिल नहीं आया है। थोड़ा लॉकडाउन 2 साल तक था, थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि हला भला हो जाए सबका, है कि नहीं? इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं कि इनके दिल के दरवाजे पे 10-10 गार्ड होते हैं और उन्हीं पर जान देती है, उन्हीं पर दिल लुटाती है कि जिसके जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। आप पढ़िए भाई। लेकिन मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने कहा कि जिनके जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये तो अब आप वाली गरीब निकल गई तो उसमें हम लोगों का क्या, हमारी क्या गलती है? अल्लाह का शुक्र है मेरे जो सामईन हैं, इन लोगों ने मुझे लखपति करोड़पति न जाने क्या क्या बना दिया कि मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। मेरे क्रेडिट कार्ड एटीएम सब कुछ यही लोग हैं। कितनी चाहते हैं मुझसे मेरे हम नशीं, कितनी चाहते हैं मुझसे मेरे हम नशे, कितनी चाहते हैं मुझसे मेरे हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया, कितनी चाहते हैं मुझसे मेरे हम नशे, तूने मुझको बताया मजा आ गया। चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, तूने सबको सुनाया मजा आ गया। कितनी चाहते हैं मुझसे मेरे हम नशे, तूने मुझको बताया मजा आ गया। एक बार मुझे जोरदार तालियों से इजाजत दे। मोहतरमा इन लोगों की ख्वाहिश है कि कुछ भोजपुरी पढ़ दी पड़े और मेरी ख्वाहिश है कि वो ताज़ा गजल एक आपकी है वो भी पुराना हुआ। मैं इंशाल्लाह मैं वो जरूर पढ़ूंगी, लेकिन काफी देर से ये ख्वाहिशमंद है भोजपुरी की, मैं पढ़ती हूँ। मैं भोजपुरी पढ़ू सुने सुने, मुझे पूरे लोगों की इजाजत नहीं मिली, इधर के जो लोग हैं उनकी भी इजाजत चाहती हूँ, पढ़ती हूँ मैं। समाज फरमाए आए घर मोरे सांवरिया बड़ा नीक लागेला, आए घर मोरे सांवरिया बड़ा नीक लागेला। मोती भाई आए घर मोरे सांवरिया बड़ा नीक लागेला, लहकत पुरवा के बयरिया, लहकत आए घर मोरे सांवरिया बड़ा नीक लगे। क्या कलेजे से पढ़ रही है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सर की फरमाइश मैं पढ़ रही हूँ और सब जा रहे हैं। जियाउल्लाह भाई का फोन आ गया, जियाउल्लाह भाई होम मिनिस्टर का फोन आया, टूटू होम मिनिस्टर। जी 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 टूटू, पढ़ती हूँ मैं। आए घर मोरे सांवरिया बड़ा नीक लागेला, संग माँ साजन बैठ के करी है मीठी मीठी बतिया, संग माँ साजन बैठ के करी है मीठी मीठी बतिया, बहुत सुंदर लगी है अब तो जीवन की हर रतिया, संग माँ साजन बैठ के करी है मीठी मीठी बतिया, बहुत सुंदर लगी है अब तो जीवन की हर रतिया, हस हस साजन मोहे पतई है हो, हस हस साजन मोहे पतई है, बीती सारी बतिया उतरे अंगना जब उजरिया बड़ा नीक लागेला, आए घर मोरे सांवरिया बड़ा नीक लागेला। और मैं एक बात बताऊं,
मधुबनी में आज ये मुशारा हो रहा है, जितने तादाद में जेंट्स हैं उतनी ही तादाद में लेडीज भी हैं। मैं इनकी भी दुआएं चाहती हूँ, अपनी माँ और बहनों की भी दुआएं चाहती हूँ, बंद आप तक पहुँचाती हूँ। समाज फरमाए, भाभी जरा सा सुनिएगा, ये बंद काम आएगा। पढ़ती हूँ मैं एक बार, जोरदार ताली मुझे बजाए, पढ़ती हूँ मैं। भोरहन से तैयारी करी है, साथ मलेंगे जई है। भोरहन से तैयारी करी है, साथ मलेंगे जई है। कंघा चोटी चूड़ी पाउडर सब हम का दिलवई है। भोरहन से तैयारी करी है, साथ मलेंगे जई है। कंघा चोटी चूड़ी पाउडर सब हम का दिलवई है। खैबे हम तो चाट पतासा हो, खैबे हम तो चाट पतासा। साजन झूल झूलई है, घूमबे संगे जब बजरिया बड़ा। ये है मोहतरमा चांदनी शबनम। अच्छा, मधुबनी के जो नौजवान हैं वो तो हैं सही, लेकिन भूतपूर्व नौजवान जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ही कमाल के हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप चचा के लिए जोरदार ताली बजाए। मैं पढ़ती हूँ फारूक भाई को चचा, पढ़ती हूँ मैं। आए घर मोरे सांवरिया, बड़ा नीक लागे ला। कपड़न के भंडार में जइबे जब छच्छा सूट दिलई है। अरे वाह, कपड़न के भंडार में जइबे जब छच्छा सूट दिलई है। फोटो घर मा बैठ के संगे फोटो भी खिंचवई है। अरे बाप रे बाप, कपड़न के भंडार में जइबे जब छच्छा सूट दिलई है। फोटो घर मा बैठ के संगे फोटो भी खिंचवई है। सरकस और सलीमा का ला हो, सरकस और सलीमा का ला। जादू भी दिखलई है, नची है मेलन के बंदरिया। बड़ा नीक, क्या यार, क्या नक्काशी की है, क्या पेंटिंग की है, अच्छी गीत पढ़ रही हो चांदनी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये जो गीत कहा गया है इसका मकसद क्या है, मैं आखिरी वो बंद पहुंचाती हूँ। समाज फरमाए, जब साजन परदेस रहे तब कतहु नीक न लागे। जब साजन परदेस रहे तब कतहु नीक न लागे। एक जगह ना लागे जियरा, इधर उधर बस भागे। जब साजन परदेस रहे तब कतहु नीक न लागे। मेरी बहनों से मैं, मेरी माँ और भाभी जो बैठी है, मैं पूछती हूँ अच्छा लग रहा है। जब साजन परदेस रहे तब कतहु नीक न लागे। एक जगह ना लागे जियरा, इधर उधर बस भागे। दिल मोरा जब दुआ करे तो हो, दिल मोरा जब दुआ करे तो बस साजन का मांगे। उनकर आवे जब खबरिया, बड़ा नीक लागे ला। आए घर मोरे सांवरिया, बड़ा नीक लागे ला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आज इस मुशायरे की खबर सुन के दसियों बीसियों बल्कि दर्जनों ऐसे नौजवान हैं जो दुबई, कतर और बहरीन में रहते हैं, उन्होंने अपनी टिकट को, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग नहीं जाएंगे, इंडिया ही पकड़ लेंगे मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात बताऊं, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मैं जिस स्टेट से आई हूँ उसे यूपी कहते हैं। और यूपी में इस वक्त क्या हो रहा है, मैं चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ। समाज फरमाए, पढ़ती हूँ मैं। दीप है तेरा नफरत वाला, सुने दोस्तों। अरे दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। कोई बता दे उस पागल को, सूरज भी तो ढलता है। कोई बता दे उस पागल को, सूरज भी तो ढलता है। दीप है तेरा नफरत वाला। मैंने, हम लोगों ने बहुत सी हुकूमत देखी,
फिरौन, सद्दाद, हामान, बहुत लोगों ने मैं देखा, लेकिन पढ़ती हूँ मैं। दीप है तेरा नफरत वाला, लोग आए और चले गए लेकिन हम ऐसे ही हैं, पढ़ती हूँ मैं। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है, कोई बता दे उस पागल को, सूरज भी तो ढलता है, कोई बता दे उस पागल को। फिर अनौशन दाद को हमने आते जाते देखा है, फिर अनौशन दाद को हमने आते जाते देखा है। यूपी में देखेंगे हम, यूपी में देखेंगे हम कब तक बुलडोजर चलता है। ये है मोहतरमा चांदनी शबनम, फिर बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बढ़ाओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ मैं। अगर हमारे मधुबनी के ऐसे मुखिया हो तो इंशाल्लाह हमारा ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ मैं। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है, कोई बता दे उस पागल को। आफ्ताब भाई, शमीम, शमीम भाई। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है, कोई बता दे उस पागल को, सूरज भी तो ढलता है, कोई बता दे उस पागल को। फिर अनौशन दाद को हमने, फिर अनौशन दाद को हमने आते जाते देखा है, फिर अनौशन दाद को हमने आते जाते देखा है। यूपी में देखेंगे हम, यूपी में, अरे यूपी में देखेंगे हम कब तक बुलडोजर चलता है, यूपी में देखेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कर्नाटका से एक खबर, मेरी बहन मुस्कान जब अकेली शेरनी दहाड़ते हुए निकली थी तो किस 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 तरह से कुछ लोग उसे कुत्तों की तरह घेर लिए थे। मैं चार मिसरे और आप तक पहुंचाती हूँ, समाज फरमाए। बदमाश बदतमीज बीरप्पन के भक्त हैं, आए हाय क्या बात, बदमाश बदतमीज बीरप्पन के भक्त हैं, रहबर नहीं है कौम के, रहजन के भक्त हैं। बदमाश बदतमीज बीरप्पन के भक्त हैं, रहबर नहीं है कौम के, रहजन के भक्त हैं। भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियां, भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियां, ये राम के नहीं किसी रावण के भक्त है। भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियां, भगवा पहन के करते हुए ये राम के नहीं किसी रावण के भक्त हैं, ये राम के। और एक बात बताऊं, हमारी जो मीडिया है, जो सच है वो नहीं दिखा रहा है, मीडिया बिक चुकी है। मैं चार मिसरे और आपको बताती हूँ। गांव का नाम एक मर्तबा ले लीजिए, हरियरी गोढियारी। और हरियरी गुड़ियारी में ये मुशायरा हो रहा है। चार मिसरे में आप लोगों की मौजूदगी में पढ़ रही हूँ। मासूम भाई, मैं पढ़ती हूँ। कन्वीनर है ये, हाशिम भाई, मैं पढ़ती हूँ। हाशिम भाई, आपकी दुआएं चाहती हूँ। चार मिसरे पढ़ती हूँ। मिलता न ताज आज किसी बदतरीन को, मिलता न ताज आज किसी बदतरीन को, अगर मीडिया का मुल्क में इजाद न होता। क्या यार, मिलता न ताज आज किसी बदतरीन को, अगर मीडिया का मुल्क में इजाद न होता। होते जो उस जमाने में ये मीडिया के लोग, होते जो उस जमाने में ये मीडिया के लोग, भारत खुदा कसम कभी आजाद न होता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह चांदनी, चांदनी एक शेर याद आया है, कौन दर्द की तासीर खींचने वाला,
है कौन दर्द की तासीर खींचने वाला, हर एक हाथ है बस तीर खींचने वाला। मैं अपना जख्म जमाने पे खोल सकता था मगर ये दौर है तस्वीर खींचने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चार मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ। मुजाहिद भाई पढ़ती हूँ मैं। छुपाना नहीं तुम बताओ ना मुझको, आए हाय। छुपाना नहीं तुम बताओ ना मुझको, जमाने को कैसे खबर लग गई है। अच्छा, छुपाना नहीं तुम बताओ ना मुझको, जमाने को कैसे खबर लग गई है। कई दिन से तकरार तुम कर रहे हो। अच्छा, कई दिन से तकरार तुम कर रहे हो। मोहब्बत को जबकि नजर लग गई है। कई दिन से तकरार तुम कर रहे हो। मोहब्बत को जबकि नजर लग गई है। और मैं चार में से पढ़ती हूँ। असद भाई, मेरे दिल की सफाई करते हो। सुना भाई, सुना। मेरे दिल की सफाई करते हो जब भी तुम बेवफाई करते हो। मेरे दिल की सफाई करते हो जब भी तुम बेवफाई करते हो। दूर होना है मुझसे हो जाओ, दूर होना है मुझसे हो जाओ। तुम मेरी क्यों बुराई करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। समाज फरमाए पढ़ती हूँ मैं। तन्हाई में मिलना तुम, हाशिम भाई, तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है। तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है। राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूर। बिहार में मुशारा पढ़ने में इसीलिए दिल लगता है क्योंकि ये लोग दिल लगा के सुनते हैं, तो हम दिल लगा के पढ़ते हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आप बिहार ही रह जाए। देखिए अल्लाह कबूल करे तो बहनों का घर अक्सर भाइयों के घर में ही होता है। तो मुजाहिद भाई बिहार के हैं, अगर अपने उसमें हिस्सा देंगे तो बहन इंशाअल्लाह बिहार में रह जाएगी। मैं पढ़ती हूँ। समाज फरमाए। तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है। राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। और हाशिम भाई, आफताब भाई और मोती भाई, मैं बंद आप तक पहुंचाती हूँ। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, आपके लिए मैं बंद पढ़ती हूँ। समाज फरमाए। जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी। मेरा भाई कब से मुझे इशारा कर रहा है, मैं पढ़ती हूँ। मेरे हमदम मेरे दिलदार अभी बाकी है। मेरे हमदम मेरे दिलदार अभी बाकी है। अभी बाकी है मुखिया जी। मेरे हमदम मेरे दिलदार अभी बाकी है। मेरे इस दिल में तेरा प्यार अभी बाकी है। क्या बात। मेरे इस दिल में तेरा प्यार दिल, देखो, अभी बाकी है। तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है। राधा के लिए जैसे घनश्याम। अच्छा है। तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है। राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। मुजाहिद भाई, जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी। जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी।
हाथ तेरे प्यार का, मैं गीत गुनगुनाऊंगी, तू है मेरा मैं हूँ तेरे सबको बताऊंगी। तू है मेरा मैं हूँ तेरे सबको बताऊंगी, साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी, साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी। जीने के लिए मेरे, जीने के लिए मेरे तेरा नाम जरूरी है, राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कुछ देर बाद आपको नेपाल भी लेके चलूंगी, आप नेपाल जाना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है इधर के लोग नेपाल से ही हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ती हूँ, और अररिया से भी लोग हैं क्या? शाम ढल छत पे तो मिलने नहीं आता है, शाम ढल छत पे तो मिलने नहीं आता है, बोलना ऐ चाँद मुझे क्यों तू सताता है, बोलना ऐ चाँद मुझे क्यों तू सताता है, आधी रात होते ही तू छत पे बुलाता है, आधी रात होते ही तू छत पे बुलाता है, बोलना ऐ चाँद मुझे क्यों तू सताता है, बोलना ऐ चाँद मुझे क्यों तू सताता है। मिलने के लिए थोड़ा, मिलने के लिए थोड़ा आराम जरूरी है, राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। बिल्कुल नया गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, समाज फरमा मुझे। यही पढ़ो ना, अच्छा ताजा दोनों अच्छी है। मैं चंदा की चांदनी, सुने दोस्तों ये ताजा शेर है, ये ताजा सुने। अब आपने मेरी सारी वीडियो YouTube पर सुन लिया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं पढ़ती हूँ, मैं चंदा की चांदनी छत पर से धूम मचा दूंगी, मैं चंदा की चांदनी छत पर से धूम मचा दूंगी, मैं चंदा की चांदनी। और जितने भी हैं फैन हमारे, जितने भी हैं फैन हमारे, सबके होश उड़ा दूंगी, मैं चंदा की चांदनी छत पर से धूम मचा दूंगी, मैं चंदा की चांदनी। हाशिम भाई, सहरा क्या है, खाड़ी क्या, जंगल क्या, आबादी क्या, सहरा क्या है, खाड़ी क्या, जंगल क्या, आबादी क्या, अपने हुस्न के जादू से मैं, क्या बात, क्या बात, क्या बात, अरे अपने हुस्न के जादू से दरिया में आग लगा दूंगी, मैं चंदा की चांदनी छत पर से धूम मचा दूंगी, मैं चंदा की चांदनी। और एबे शेर में आप तक पहुंचाती हूँ, समाज फरमाए। अच्छे अच्छे घूम रहे हैं मेरी अदाओं के आगे, अच्छा है, अच्छे अच्छे घूम रहे हैं मेरी अदाओं के आगे, मैं ठहरी कलयुग की लैला, कलयुग, मैं ठहरी कलयुग की लैला, सबके बंड बजा दूंगी,